क्योंकि शमीम भाई सिर्फ डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं, मेरे दोस्त भी है डायरेक्टर के अलावा। ये जो शमीम भाई हैं ये इतने मेहनती आदमी, इतने जुनूनी आदमी हैं, समझे ना, इज़ अ राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर, और बहुत मेहनत करके इतना पैसा कमा करके, जुनून है इनको, एक तरह से आप कह सकते हैं एक पागलपन है एक फिल्म बनाने का, एक अच्छी फिल्म बनाने का एक पागलपन है। लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से काफ़ी जगह मार खा जाते हैं, तो अब हमसे जितना हो सकता है एज एन एक्टर अभी, और जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 35-40 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तो कम से कम 200-250 फिल्में मैंने की हैं। हाँ भाई, आप समझ रहे हैं, सुन रहे मेरी बात, समझे ना, हाँ भाई आप जान रहे हैं मुझे, तो अब आप जो हैं, आपकी जो उम्र है उससे कहीं ज़्यादा तो मैंने फिल्में कर ली हैं। तो मेरी ये दुआएं हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए, और दिल से और तहे दिल से, मतलब कि हमसे क्या हो सकता है उनके लिए, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि शमीम भाई कहानी अच्छी लो, डायरेक्टर अच्छा लो, और सोच समझ के फिल्म बनाओ, कम पैसों में अच्छी फिल्म बनाओ, ऐसी फिल्म बनाओ कि आपको लगे कि हाँ हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है, ऑडियंस को भी लगे, फिल्म चले ना चले वो अलग बात है, लेकिन अच्छी फिल्म बनाओ यार, अच्छी कहानी लेकर के बनाओ, और दिल खोल के फिल्म बनाओ अगर बनाते। मेरा अपना सभी प्रोड्यूसर से यही कहना है, लेकिन ख़ास करके क्योंकि शमीम भाई के साथ एक इमोशनली मैं अटैचमेंट है मेरा, फ्रैंकली स्पीकिंग, इसलिए मैं दिल से चाहता हूँ कि वो एक अच्छी फिल्म बनाए और उनकी फिल्म खूब चले। हाँ सर, मेरी तो एक बहुत बड़ी फिल्म आने वाली है अभी, September 4th वेलकम बैक, हाँ वो देखना, धमाल कमाल कॉमेडी है। थैंक यू। अगर ये अब जैसे कि आप मेरी फोर्थ कमिंग फिल्मों के बारे में आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो मेरी एक बहुत ही सच्ची घटना पे एक फिल्म मैंने की है, उसका नाम है काला सच, ब्लैक ट्रूथ, और ये फिल्म हमने धनबाद में शूटिंग की है, उसमें मैंने एक नेगेटिव रोल किया है, बहुत अच्छी फिल्म है, सच्ची कहानी, सच्ची घटना जो आधारित है उस पर हुई है, शूटिंग हो चुकी है, फिल्म रिलीज होने वाली है, काला सच, यूट्यूब में आप उसका ट्रेलर भी देख सकते हैं, काला सच, मयंक श्रीवास्तव उसके डायरेक्टर हैं और सुरेंद्र श्रीवास्तव उसके प्रोड्यूसर हैं, तो आई विश फॉर दैट फिल्म आल्सो एंड ऑल फिल्म्स, सब फिल्में जब अच्छी चलती हैं तो उनको अच्छा लगता है, फिल्म चलें तो हमारे जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, टेक्नीशियंस हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, जो भी आर्टिस्ट हैं, नए हैं पुराने हैं, सबको काम मिलता है, खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत खुश हूँ मैं, ये मेरी पहली फिल्म है, मैंने इसमें एक छोटा सा किरदार किया है, शमीम भाई ने मुझे एक छोटा सा तोहफा नवाजा था इस फिल्म में, और इस फिल्म को मैंने एसोस भी किया था। शमीम भाई जो इसके राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, बहुत कमाल का लिखते हैं, इस बार उन्होंने जो लिखा है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इतिहास बन जाएगा, क्योंकि उनकी सोच बहुत अलग है। इस फिल्म में भी फिल्म को अच्छे से प्लेटफॉर्म नहीं मिला, ठीक से रिलीज़ नहीं हो पाई, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, कुछ प्रॉब्लम हुआ उनका, नहीं तो जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया था, जिस तरह से उन्होंने लिखा था, जिस तरह से उन्होंने फिल्म बनाई थी, कमाल की फिल्म बनाई थी। आप लोग DVD ले जाइए, देखिए और देख के शेयर भी कीजिए कि हाँ वाकई में फिल्म उन्होंने बनाई है। और जो दूसरी फिल्म अभी उनके साथ मैं अभी जो उन्होंने अनाउंस किया, जो मैं उनके साथ कर रहा हूँ, वो बहुत कमाल की फिल्म उन्होंने लिखी है, और मैं उसमें पहला लीड हूँ, ऑलमोस्ट सेकेंड लीड हूँ, और शाहनवाज और मैं, हम दोनों काम कर रहे हैं उस फिल्म में, और वो फिल्म थ्रिलर फिल्म है, और बहुत प्यारी फिल्म लिखा शमीम भाई ने, और बहुत जज्बाती इंसान है, उनके जज्बा